हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे कॉलर वाला नेक, और इसके लिए सबसे पहले मैं आपको कॉलर की कटिंग करने सिखा रही हूँ। इसके लिए मैंने ये फ्यूज़ पेपर लिया है, आप चाहें तो बुकरम भी ले सकते हैं। ये 16 इंच लंबा और 5 इंच चौड़ा मैंने फ्यूज़ पेपर लिया है। अब हम इसको इस तरीके से हाफ में फोल्ड करेंगे। ये देखिए, इस तरीके से हम इसको फोल्ड कर देंगे। अब हमें इस पे राउंड वाला कॉलर कट करना है। ये ऑन फोल्ड एरिया जो है हमारा, ये ऑन फोल्ड है। इसके ऊपर हमें सबसे पहले यहाँ पे जितना चौड़ा हमें कॉलर चाहिए उतना चौड़ा निशान लगाना है। आप चाहें तो 1.5 इंच चौड़ा भी काट सकते हैं या 1.25 इंच चौड़ा भी काट सकते हैं। मैं 1 इंच चौड़ा कॉलर ले रही हूँ यहाँ से, इतना, और इतना ही चौड़ा हमें यहाँ से भी लेना है, यहाँ से भी लेना है हमें इतना ही चौड़ा। ये देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 1 इंच हमने ऊपर वाले कॉर्नर से लिया है और 1 इंच हमने नीचे वाले कॉर्नर से लिया है, इस तरीके से। अब हम इसको आपस में ज्वाइन कर देंगे, गोलाई से इसको ज्वाइन कर देंगे अच्छे से। अब हमें 1 इंच चौड़ा फ्रेम काटना है, तो इस सारे को 1 इंच चौड़ा मेजर करके निशान लगा देंगे। इस तरीके से, और अब इसको अच्छे से ज्वाइन कर देंगे। अब हम इसको, ये देखिए, इस तरीके से हमारा रेडी हो गया। अब हम इसको कट कर देंगे। इस तरीके से, ये देखिए, हमारा कॉलर रेडी हो चुका है। ये देखिए, हमारा कॉलर रेडी है। आप इसको नाप के छोटा या बड़ा कर सकते हैं कॉलर को, अपने नेक की चौड़ाई के हिसाब से। आप 16, 17, 18 इंच जितना मर्जी इसको तैयार कर सकते हैं, तरीका ये सेम रहेगा। अब हम इस कॉलर को इस तरीके से रखेंगे और इसके ऊपर कपड़ा चिपकाएंगे प्रेस की हेल्प से। अगर आप बुकरम का इस्तेमाल भी कर रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप चिपकने वाली बुकरम का ही इस्तेमाल करें। चिपकने वाली बुकरम से इसको बनाना बहुत इजी हो जाता है। अब ये देखिए, हमने एक और पट्टी कपड़े की काट ली है और एक दूसरे के ऊपर इसको रखा है। हमें बेसिकली यहाँ पे इस एरिया में पास पास सिलाई लगानी है, इस तरीके से। और यहां से तकरीबन आधा आधा इंच का मार्जिन छोड़ के इसको कट करना है। इसको हम आधा आधा इंच मार्जिन छोड़ के कट कर देंगे। अब हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। हमें सबसे पहले कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड करना है। ये एक पैनल उठाएंगे हम जिस पे हमने फ्यूज पेपर चिपकाया था, और इसको इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे।
अब इस तरीके से इसको ऊपर रख देते हैं। अब हम इस पे सिलाई लगाएंगे और उससे पहले कच्चा करेंगे ताकि अपनी जगह से हिले नहीं। अब हम इस पे फाइनल सिलाई लगा लेते हैं। बिल्कुल बारीक बखिए से हमें ये सिलाई बिल्कुल पास पास लगानी है इसके, बिल्कुल पास पास हमें ये सिलाई लगानी है। इस तरीके से कट्स लगाएंगे अब हम छोटे छोटे और इसको बेल्ट देंगे हम। अब कट्स लगा के इसको हमें पलट देना है अंदर की तरफ। ये देखिए अब हमें इसको पलटना है और ये हमारा कॉलर जो है फाइनली रेडी हो जाएगा। बस अब हमें इस पे प्रेस करनी होगी। ये देखिए और ये जो कच्चा टांका लगाया हमने इसको हम बाद में उधेड़ देंगे। इसको अच्छे से फ्लैट करके हमें प्रेस करना है और फिर ये कॉलर हमारा रेडी हो जाएगा कंप्लीटली। इसको अच्छे से प्रेस करके हम फ्लैट कर देंगे। ये फ्यूज पेपर थोड़ा सॉफ्ट होता है, अगर आप बुकरम यूज करेंगे तो कॉलर थोड़ा हार्ड बनेगा। फाइनली हमारा कॉलर रेडी हो चुका है। अब आप इसको कुर्ते या ब्लाउज पर अटैच कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।